हेलो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वीडियो में हमने आपको आपका ये चैप्टर शुरू किया था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में आप ये टॉपिक्स पढ़ चुके थे। एग्रीकल्चर की जो ये थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, इससे पहले हमने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटी। नेक्स्ट पेज पर आगे आते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर को आप इस चार्ट में, इस में पूरा डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? कल्चर, कल्चर आ रहा है और ये एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ये भी सारे जो ये पीछे पॉइंट्स हैं इनमें आपको जोड़ लें, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिस्की कल्चर, वीटी कल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ये क्या है हम इसमें देखेंगे, समझेंगे। व्हाट इज एग्रीकल्चर? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रीयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, क्रॉप्स, फसलें उगाना और रीयरिंग लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन पालन, ये सब हमारा फार्मिंग कहलाता है जो एग्रीकल्चर में ही आता है। सेकंड पे आएंगे सेरीकल्चर। व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर होता है रेशमी कीड़ों का पालन, कमर्शियल रीयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म होता है कीड़ा जिससे सिल्क बनती है। इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, वो सेरीकल्चर में आता है रेशमी कीड़ों का जिसमें पालन होता है। पिस्की कल्चर, पिस्की कल्चर के अंतर्गत इन मछली पालन आता है, ब्रीडिंग ऑफ द फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, मछली पालन आता है पिस्की कल्चर में। वीटी कल्चर, वीटी कल्चर में आती है अंगूर की खेती, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान कृषि, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज के लिए वेजिटेबल उगाना और फूलों को उगाना एंड फ्रूट्स को उगाना, ये हॉर्टिकल्चर में आता है। ये पूरा डिफाइन किया गया है आपको, एग्रीकल्चर को पूरा एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फार्म सिस्टम पर। व्हाट इज फार्म सिस्टम? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर यो या फार्मिंग को हम एक सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। कैसे? द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लोइंग, ये सारे जो हैं ये सब कुछ प्लोइंग में आते हैं, इंक्लूड होते हैं। सोइंग, इरिगेशन, सोइंग होता है बीज बोना, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ये सब कुछ इसी में ही इंक्लूड होता है। फार्म सिस्टम में द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। पिक्चर्स में दिखाया गया है, किसान है। देखिए इस पिक्चर में आप देखेंगे, ये जो ऊपर है पिक्चर, मैं आपको जूम करके एक मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए प्रोसेस चल रहा है, इनपुट है सीड्स, बीज को बोया गया, केमिकल्स उसमें यूज किए गए और ट्रैक्टर से ये जो है वो हुई होती है, उसकी जुताई वगैरह जो होती है, प्रोसेस चल रहा है, प्लोइंग सीड्स, स्प्रेइंग, बीजों को बोया जा रहा है, स्प्रे उस पर किया जा रहा है जिससे कि उन पर कीड़े वगैरह नहीं लगें। तो फिर इसके प्रोसेस होने के बाद क्या आउटपुट होता है? क्रॉप्स हमको प्राप्त हो गई है। द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म, ये पिक्चर में दिखाया गया है। इस पिक्चर में आपको दिखाया एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स, फिजिकल इनपुट्स हैं सनशाइन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, सॉइल, स्लोप, ये सब भी फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं। सनशाइन बहुत ज़रूरी होती है, रेनफॉल, बारिश के बिना भी हम फसल को नहीं उगा सकते हैं। टेम्परेचर, तापमान वहाँ का उस फसल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सॉइल, मिट्टी एंड स्लोप, ह्यूमन इनपुट्स इसमें दिखाए गए, स्टोरेज, लेबर, मशीनरी एंड केमिकल्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग भी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग
कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. फार्मिको हम टू मेन टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं. दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. टू टाइप्स इसमें दी गई हैं. अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे. सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, जब किसान केवल अपनी फैमिली का पालन करने के लिए फार्मिंग करता है तो उसके अंदर ये इंक्लूड होती है. ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट. देखिए, केवल अपनी फैमिली के लिए यदि खेती की जाती है तो उसमें लो लेवल का टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इसमें, और लेबर भी जो होती है अपने घर के ही लोग बाग जो होते हैं वो खेती कर लेते हैं अपने घर के लिए, तो बाहर के लोगों को लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. स्मॉल लेवल पर ये खेती होती है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. देखिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर के बारे में है, इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे. द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग स्मॉल टूल्स एंड स्मॉल लेबर. मैं थोड़ा सा ही आपको बताऊंगी, डिटेल आप पढ़ लेंगे जब मैं आपको इसकी PDF सेंड करूंगी. अपनी बुक से भी आप इसको पढ़ सकते हैं. स्मॉल लेवल पर सिंपल टूल्स इसमें यूज होते हैं और लेबर इसमें थोड़ी ही लेबर यूज होती है. ओके स्टूडेंट्स, इंटेंसिव फार्म सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में था ये. नेक्स्ट पेज पर अब हम आते हैं. ये है आपका जूम कल्टीवेशन के बारे में है. ये आपका थोड़ा सा ये पिक्चर में छिप गया है. जूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसाइज इन द थिकली ऑफ एमेजन बेसिन ट्रॉपिकल. ये कहाँ पर होती है उसके बारे में बताया गया है. ट्रॉपिकल अफ्रीका पार्ट्स ऑफ एंड द नॉर्दर्न इंडिया. दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल. ये जो एरियाज होते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है. एंड क्विक रीजेनरेशन ऑफ द वेजिटेशन. ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाई फॉलिंग ऑफ ट्रीज. इसमें क्या होता है, इस कल्टीवेशन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो होता है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो आपका पैराग्राफ चल रहा है इसमें एक जमीन के एक हिस्से को क्लियर कर लिया जाता है. वहाँ के जो पेड़ वगैरह होते हैं सब काट दिए जाते हैं एंड बर्निंग उन्हें जला दिया जाता है. द एसिज आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल. जो उसकी जो राख होती है उसको सॉइल में मिला दिया जाता है. एंड क्रॉप्स लाइक मेज हो गया, यम हो गया, पोटैटोज हो गए एंड कासवा आर ग्रोन. और फिर ये चीज़ें उसमें उगाई जाती हैं. आफ्टर द सॉइल लूजिंग इज फर्टिलिटी. जब तक सॉइल यानी कि मिट्टी अपनी फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन को नहीं लूज करती है. द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टीवेटर्स मूव टू द न्यू प्लॉट्स. जब वहाँ की उपजाऊ मिट्टी ख़त्म हो जाती है और वो बंजर हो जाती है तो जो किसान होते हैं वो दूसरी जगह के लिए नए प्लॉट के लिए मूव कर जाते हैं. ये हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नॉन एज द स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश या फिर बर्न एग्रीकल्चर के रूप में भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक प्लॉट को एक भूमि के हिस्से को क्लियर करके उसमें पेड़ को सारे जला दिया जाता है काटकर और उसकी एसेस को जमीन में मिला दिया जाता है. नोमैडिंग हार्डिंग है अब आपका. ये नोमैडिंग हार्डिंग इज प्रैक्टिसेस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ द इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर. नोमैडिंग हार्डिंग होता है जहाँ नोमैडिंग हार्डिंग में जो होता है दीज प्रोवाइड नोमैडिंग हार्डिंग इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे. दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट एरियाज इन रेस्पॉन्सिबल टू क्लाइमेट कॉन्स्टेंट एंड टेरेन. इसमें जो वो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरी जगह पर विद देयर एनिमल्स अपने एनिमल्स के साथ फॉर फूड एंड वाटर भोजन और पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वो नोमैडिक हार्डिंग में आता है. अब हमारा शुरू होता है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग ये शुरू होता है. इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आया थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताऊंगी फिर आप इसे रीड करेंगे. इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रीड फॉर सेल इन मार्केट. कमर्शियल है क्रॉप्स आर ग्रोन फसलें उगाई जाती हैं एंड एनिमल्स आर रीड एनिमल्स को पाला जाता है फॉर सेल इन मार्केट मार्केट में बेचने के लिए. दीज एरिया कल्टिवेट एन अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन द लार्ज. बाकी के टॉपिक को आप पढ़ेंगे इसमें.
रीड कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें मेजर क्रॉप्स। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बहुत सारी जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जो ये फसलें होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं वो मेजर क्रॉप्स में आती हैं। क्रॉप्स आर सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फसलें ही जो होती हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। मेजर क्रॉप्स के बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। जो देखिए ये राइस है, राइस के बारे में जो ये सारी डिटेल है, सारी मेजर क्रॉप्स के बारे में अब आपको इसमें बताया गया है कि वहाँ को कहाँ पर उगाई जाती है और उसके लिए क्या क्या कैसा कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसी उसकी सॉइल चाहिए, ये सब इसमें डिटेल ही है जिसे आप खुद पढ़ेंगे। राइस है, मैं आपको मेजर क्रॉप्स के बारे में केवल बताऊंगी। राइस है, व्हीट है, मिलेट्स है, ये मेजर क्रॉप्स की यह सारी पिक्चर हैं। आप इसमें देखेंगे बनाना प्लांटेशन को लगाया गया है, बनाना प्लांटेशन हो रही है, राइस कल्टीवेशन इसमें दिखाई गई है, व्हीट हार्वेस्टिंग एंड बाजरा कल्टीवेशन। मेजर क्रॉप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। मेज मक्का के बारे में, मेज रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेच, मेज के लिए मक्का के लिए मॉडरेट टेम्परेच चाहिए, रेनफॉल चाहिए एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, और सनशाइन यानी कि सूर्य की धूप उसको चाहिए। कॉटन आता है, कॉटन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, कॉटन को हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। लाइट रेनफॉल 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन एंड फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के लिए ये सब कुछ रिक्वायर्ड होता है। ये कहाँ पर होती है? एलुवियल सॉइल, चीन में होती है, यूएसए, चाइना, इंडिया में भी, पाकिस्तान में, ब्राज़ील में एंड इजिप्ट, मिस्र में आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ये कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटीरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन हुआ, ये जूट हुआ, जूट आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। देखिए गोल्डन फाइबर अगर आप नाम सुनते हैं तो गोल्डन फाइबर हम कहते हैं जूट को। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज गोल्डन फाइबर और ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप बेझिझक जूट पर लगा सकते हैं कि जूट गोल्डन कलर की होती है, इसीलिए उसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इट इज ग्रोन वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, इसके लिए हाई रिक्वायर्ड टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है और इसको एलुवियल सॉइल की जरूरत होती है। कॉफ़ी के बारे में आता है, कॉफ़ी रिक्वायर्ड वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, इसको लूमी सॉइल की जरूरत पड़ती है और वेट क्लाइमेट चाहिए, ये सब कुछ इसको जरूरत होती है। ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। अब टी आता है, टी इज द बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, दिस रिक्वायर क्लाइमेट, इसको कूल क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर पूरे साल फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, इसकी टेंडर लीव्स को उगने के लिए थ्रू आउट द ईयर ये रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ इस मेजर क्रॉप्स के बारे में आपको बताया गया था कि कैसी क्लाइमेट जरूरत पड़ती है, क्या क्या कंडीशन उनके लिए चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर था एग्रीकल्चर ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी एक्सरसाइजेज आपको कराई जाएगी। अभी आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस, इंटरनल क्वेश्चंस आप खुद भी बनाएंगे, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब कुछ आप इस वीडियोस को देखकर आप खुद भी इसमें आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओके थैंक यू।